सूरत में लिंबायत मीठीखाड़ी विस्तार में पड़ोसीए ज पड़ोसी की करपीण हत्या करी हती। प्रेम प्रकरण में युवक की हत्या थई होवानो प्राथमिक तारण मानवामां आवी रह्यो छे। पुलिस कमिश्नर वगरना सूरत शहर में बेफाम बनेला माथाभारे लुक्खा तत्वों शिकार निर्दोष लोग बनी रहा है। शहर में एक पछी एक हत्या लूट छेड़ती और बलात्कार जेवा गंभीर गुनाओ सामान्य थई गया होय एम लागे छे। एक बाजु सूरत पुलिस गुनेगार ने बान में लेवा कड़क कार्यवाही साथे सतत पेट्रोलिंग करती होय छे, छतां पुलिसनी निष्क्रियताना कारणे लुक्खा टपोरियो माथुं उचकी रह्या छे। त्यां गत मोड़ी सांजे लिंबायत विस्तार में सरा जाहेर युवकनी हत्या करी देता समग्र विस्तार में डरनो माहौल सर्जायो हतो। समयसर पोलीस आवी जता गुनेगार फरार थया होवानुं जाणवा मळ्युं हतुं। पोलीस पासेथी मळती माहिती मुजब लिंबायत कमरू नगर पासे गई काले मोड़ी सांजे पाड़ोसीए पाड़ोसीनी हत्या करी नाखी हती। हालना तबक्के प्रेम प्रकरण में युवकनी हत्या थई होवानुं प्राथमिक तारण मानवामां आवी रह्युं छे। साथे अन्य एक युवक ने पण इजा थवा पामी हती। झगड़ा में गंभीर रीते घायल थयेला शेहबाज नामना युवकनुं घटनास्थळे ज मौत थयुं हतुं। आ अंगे लिंबायत पोलीसे हत्यानो गुनो नोंधी आरोपीओने पकड़वानी तजवीज हाथ धरी छे। केमेरामेन हकीम शेख साथे वसीम हासमीनो रिपोर्ट, आजाद न्यूज सूरत। आज रोज लिंबायत पोलीस स्टेशन विस्तारमां नूरानी मस्जिदनी पासे आश्रे रात्रिना पोणा 9 आसपास एक बनाव बन्यो हतो, जेमां एक बहु गुनेगार व्यक्ति जेनुं नाम शेहबाज खान छे એના મિત્રએ એની આસપાસ રહેતા એક વ્યક્તિ એની ચપ્પુનો ઘા મારીને હત્યા નિપજાવી હતી, જે અનુસંધાને પોલીસે ગુનો નોંધી અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરેલ છે। આ સમગ્ર બનાવમાં અત્યારે પ્રાથમિક વિગત જે પોલીસને મળી છે એ મુજબ જે ભોગ બનનાર છે એને એના સાથે નજીકમાં રહેતા એક વ્યક્તિએ ચપ્પુના ઘા માર્યા છે। એ ચપ્પુના ઘા મારવા પાછળ એમને કંઈક પ્રેમ સંબંધ, બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધ છે એવો વહેમ રાખીને એને ઘા મારી દીધા હતા અને એની સાથે બેઠેલા અન્ય વ્યક્તિને પણ એને ચપ્પુના ઘા માર્યા હતા, જે અનુસંધાને પોલીસે આ બધી બાબતો આવરી લઈ અને ગુનો નોંધ્યો છે। આરોપીની ધરપકડ કરવા માટેની તજવીજ ચાલુ છે। ક્યાં ઘટના रोजा खोलने बाद हम नमाज को गए, नमाज पढ़ के आए तो हम घर में जो थोड़ा बहुत काम होता है साड़ी का वो करते बैठे हुए थे। बाद में बोले मैं आ रहा हूँ भाषियों बाहर गया तो क्या मालूम क्या आवाज दो एक आवाज आई बाहर से क्या झगड़े हुए तो हम बाहर भागे देखने के लिए। उससे मैं दो लड़के मेरे भाई को मार रहे थे, वो लड़के और कोई नहीं मेरे घर के सामने वाले समीर और अरमीन। हम जब तक वापस पहुंचे लोग दोनों भाई भाग चुके थे, वहां से मेरे भाई को बहुत ज्यादा लगा हुआ। ये रोजा खोलने के जस्ट समझो ना आप 7:40 के लगभग की बात है। ये वो पता नहीं अपने कुछ अंदर की बात पन जाता कि अपना नॉलेज है, इन लोग का पैसों का मसला था। मेरे भाई पैसा मांग रहा था, लोग ने पैसे लिए थे भाई से। भाई बोल रहा था भाई पैसे दे दो, मैं रमजान आ रहा है, ईद का ईद का खरीदी करना है हमको, मेरे घर फैमिली में कपड़े लगते भरा होगा, तो लोग ने सीधा मना कर दिया पैसा नहीं देना। छोकरी की मैटर की बात आ रही है, ये छोकरी का मैटर दूर दूर की बात नहीं है। वो छोकरी का मैटर क्यों करेगा, उसको की जरूरत है क्या? उसकी बातचीत तो पक्की हो चुकी है ऑलरेडी। क्या नाम है आपके भाई का, कितनी उम्र है? मेरे भाई की नाम है शेहबाज खान असलम खान, उसकी उम्र 23 साल है।